मेरा नाम है अवतारी, मैं कनाडा से हूँ। अभी कितने साल की हो गई? ये मत पूछो, ये मत पूछो। अच्छा ठीक है, ये नहीं पूछूंगा। माता तो कोलंबिया से है और पिताजी वेस्ट बंगाल। और आप? मैं तो मिक्स वेज हो गया। अकेले रहती हैं यहाँ पर या माता पिता भी साथ रहते हैं? नहीं, माता पिता तो बाहर रहते हैं, विदेश में। भाई भी विदेश? सिर्फ आप अकेली? अकेली नहीं हूँ, मतलब बाल गणेश है साथ में और लड्डू गोपाल और मेरा गोपेश्वर महादेव। भाइयों की शादी हो गई? सब की हो गई। और आप रह गई? मैं तो ऐसे नहीं है कि मैं जो मछली वाला मैं ऐसे करूं और पकड़ूं, किसी को पकड़ूं, ऐसे नहीं है ना। अच्छा, आपने कनाडा क्यों छोड़ दिया? आपके परिवार सब तो वहीं रहते हैं। मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ पर। अच्छा, मुझे डिप्रेस हो जाती हूँ। अच्छा, जो आपकी मम्मी कोलंबिया से हैं, वो क्रिश्चियन हैं या क्या हैं? हाँ, मेरा मम्मी साइड सब जीसस है। मतलब अच्छा, ये जो आपने लाल साड़ी पहनी है, हाँ, इसका क्या राज है? मतलब मुझे लाल साड़ी, ब्लू साड़ी, येलो साड़ी बहुत पसंद है और मैं स्कूल भी जाती थी साड़ी में। कनाडा में? हाँ, कनाडा में। संस्कृत भाषा अच्छी लगती है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत like so sweet and like a vichitra, you know. अच्छा। मेरे को बहुत पसंद है। धीर समीरे यमुना तीरे। बहुत लो हो गया, I can't sing right now. थोड़ा सा तेज बोलो। It's hard. Okay. बार वगैरह हैं, पब हैं, तो वहाँ सब गई आप? हाँ, सिर्फ देसी पार्टी बार में, क्लब डांस करके फिर वापस आते हैं। शराब वगैरह? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं पी शराब? कभी भी नहीं, कभी दारू? भी नहीं, नहीं, दारू बदनाम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई प्रकार का नशा नहीं, नहीं। मांस मछली तो खाती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ नो, दिस इज लाइक वेस्ट। अभी आप डेड बॉडीज खाओगे है ना, फिर आपका बॉडी तो शमशान बन गए। गौतम, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में। मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी साधकों के साथ और विशेष तौर पर विदेशी साधकों के साथ ऋषिकेश में, हरिद्वार में, मथुरा में, वृंदावन में, बनारस में, प्रयागराज में संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूँ। आज उसी संवाद श्रृंखला के बीच हमारे साथ एक विदेशी महिला है, उनसे बात करेंगे और उनके भारत के आने की यात्रा जानेंगे, उनका नाम जानेंगे, उनका देश जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है माता जी आपका। तो सबसे पहले आप अपना नाम क्या है आपका? मेरा नाम है अवतारी। कहाँ से हैं आप? मैं कनाडा से हूँ, लेकिन मेरा जन्म यही हुआ वृंदावन में। अच्छा, और माता पिता? माता तो कोलंबिया से है और पिताजी वेस्ट बंगाल। पिताजी वेस्ट बंगाल, माता जी कोलंबिया से। और आप? मैं तो मिक्स वेज हो गया। अच्छा, तो ये भारत में जन्म हुआ आपका, तो भारत में भी, भारत में ही बचपना बीता? नहीं, जब मैं 3 साल की थी फिर मेरा मम्मी पापा मतलब कनाडा में शिफ्ट हो गए। अच्छा, फिर वहीं पे बड़ी हुई। अभी कितने साल की हो गई? ये मत पूछो, ये मत पूछो। अच्छा ठीक है, ये नहीं पूछूंगा। तो अब वृंदावन में कितने साल से रह रही हैं? अभी 2009 से मैं रह रही हूँ लगातार। और पढ़ाई कहाँ पे हुई? कनाडा में और इंडिया में, दोनों जगह। अभी कितनी पढ़ाई कर ली आपने? अभी तो मेरा विशारद खत्म हो गया। विशारद मतलब? डांस, ओडिसी डांस में। अच्छा, ओडिसी डांसर हैं आप। और क्या क्या सीखती हैं? मैं संगीत सीखती थी। अच्छा, पहले। अच्छा। लेकिन अभी गुरु जी थोड़ा बिजी है तो। अच्छा। अभी खुद का रियाज चल रही है बस। अच्छा, भारत की कौन सी चीज आपको पसंद है? भारत में क्या चीजें पसंद है? सब कुछ, वेश और खाना, जगह भी बहुत सुंदर है। अच्छा, भारत जगह सुंदर है? बहुत सुंदर, मतलब देखो मैं ऐसे सोचती हूँ कि यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। अच्छा। हाँ, जब लाइक इट्स विंटर टाइम आप साउथ में जाओ, फिर जब बहुत गर्मी है तो आप माउंटेन्स भी जा सकते हो। मतलब सब कुछ है भारत में।
अगर बीचेस चाहे तो गोवा चले, है ना। तो भारत में सब कुछ है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप कितने देशों में घूमी है? बहुत, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क, इंग्लैंड, स्वीडन, बाली, फिलीपींस, ट्रिनिडाड, बहुत जगह। लेकिन मेरा सबसे अच्छा लगा यहाँ भारत। आपको अच्छा लगा? हाँ, वृंदावन में। अच्छा अच्छा, आपके भाई बहन कितने हैं? मेरा 5 भाई है। 5 भाई और बहन? एक। तो टोटल हो गए 7। वो सब कहाँ रहते हैं? वो बाहर रहते हैं, मतलब 2 भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते, मेरा छोटी बहन कनाडा में रहते, फिर विशाल और एंथनी, मतलब वो भी कनाडा में और अमेरिका में। सब भाई विदेश में रहते हैं? हाँ, सब विदेश में रहते हैं। बस एक, 7 में से केवल एक आप जो भारत में रहती हैं। कारण? कारण मुझे भारत को, स्पेशली वृंदावन धाम को बहुत पसंद है। और पता नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं जा सकती हूँ 5 दिन के लिए, फिर उसके बाद अच्छा नहीं लगता, मतलब आई हैव टू कम बैक होम। अच्छा अच्छा, जो आपकी मम्मी कोलंबिया से हैं, वो क्रिश्चियन हैं या क्या हैं? हाँ, मेरा मम्मी साइड सब जीसस है, मतलब अच्छा, जीसस को मतलब जीसस को फॉलो करते हैं। लेकिन बाद में मम्मी सनातन धर्मी हो गई, फिर फिर आप भी सनातन धर्मी हो गई। हाँ। अच्छा, ये जो आपने लाल साड़ी पहनी है, हाँ, इसका क्या राज है? मतलब मुझे लाल साड़ी, ब्लू साड़ी, येलो साड़ी बहुत पसंद है। तो आज तो वैलेंटाइंस डे है और हनुमान का दिन भी है। अच्छा, हाँ, मंगलवार, जय बजरंगबली। हाँ, तो मैंने सोचा मैं आज लाल पहनूंगी। आपका कौन है वैलेंटाइन? मेरा वैलेंटाइंस तो बस 2 है, एक्चुअली 2 लोगों के, एक होते हैं आपके 2 3 है मेरा, 3 है। हाँ, अच्छा। वो तो कृष्णा बलराम, हाँ, और राधारमन, राधा वल्लभ, राधे श्याम, ये सब मेरा वैलेंटाइंस डे, मतलब परमानेंट वैलेंटाइंस। तो आपने बोला कि मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, तो साड़ी का क्या राज है, क्यों पसंद है आपको? भारत की मैं लड़कियां देखता हूँ जो मॉडर्न सिटीज़ में रहती हैं, वो लोग तो साड़ी पहनना नहीं चाहती हैं। हाँ देखो, जब मैं छोटी थी ना, मम्मी तो ये कपड़ा पहनाती थी, हाँ, मतलब गोपी ड्रेस, साड़ी, तो मेरा आदत हो गई। अच्छा। मतलब बचपन से, और बहुत समय में आश्रम में रहे, जैसे मंदिर में, तो हम ये पहनते हैं। और मैं स्कूल भी जाती थी साड़ी में, कनाडा में। हाँ, कनाडा में, क्योंकि फिर दिक्कत होती है ना कि मैं साड़ी में हूँ, फिर चेंज करूँ, मतलब तो कभी कभी मैं साड़ी में जाती थी। अच्छा। हाँ, तो आई लाइक साड़ी एंड गोपी ड्रेस। तो आपकी दोस्त जो होती होंगी, भारतीय दोस्त, वो बोलती नहीं कभी तुम ये क्या साड़ी वाड़ी पहन के घूमती रहती हो, थोड़ा जीन्स पहन लो? नहीं, कभी मेरे को मतलब पूछते हैं कि आप जीन्स नहीं पहनते हो, ये नहीं पहनते हो। मैंने कहा देखो, यहाँ तो नहीं पहनती हम, इंडिया में अच्छा नहीं लगता। कैनेडा मतलब एक जीन्स भी नहीं है मेरे पास। हाँ, कैनेडा में तो पहनती थी, ऑफकोर्स सब, एवरीवन वेयर्स, इट्स ईजी ना, सो ठीक है, सबका खुद का प्रेफरेंस होता है। तो इंडिया में क्यों नहीं पहनते? मैं कंफर्टेबल नहीं लगती हूँ। अच्छा। पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद यहाँ स्पेशली वृंदावन में हम सब ऐसे कपड़े पहनते हैं ना, तो इट्स लाइक हैबिट नाउ। अच्छा। तो अगर हम दूसरा कपड़े पहने तो अच्छा नहीं लगता, मतलब अनकंफर्टेबल लगता है। अच्छा। मेरा एक सहेली थी, और वो कहा कि उसको ये सब साड़ी, कुर्ता, पजामा उसको पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, क्योंकि वो बोला तुम तो बाहर से हो तो तुमको अच्छा लगते हो ये सब कपड़े, लेकिन हम तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, हमको जीन्स में कंफर्टेबल है, शॉर्ट ड्रेस में कंफर्टेबल है। तो ठीक है, इट्स ओके ना, उसकी मतलब सबकी पसंद अलग होता है। फिर आपने क्या बोला? तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं बाहर से हो ये वो, सबका खुद का प्रेफरेंस है, तो वो शॉर्ट ड्रेस में कंफर्टेबल है और मैं इस वेश में कंफर्टेबल हूँ, तो इट्स फाइन।
है ना। और हिंदी आपने कैसे सीखी इतनी अच्छी? ओह गॉड, मेरा टूटा फूटा हिंदी। अच्छा, हम पहले मुझे बिल्कुल एक शब्द भी नहीं आती। फिर पिताजी बात करते थे उस मतलब विथ हिज फ्रेंड्स हिंदी में, तो कभी मैं बस मैं सुन सुन के थोड़ा समझ आ गया। अच्छा। फिर बाद में मैं बहुत बॉलीवुड फिल्म देखती थी, बहुत बहुत सारे, और उससे मतलब उससे सीखी हिंदी थोड़ा सा। बस ऐसे ऐसे सीख लिया सुन सुन के। ठीक। जैसे एक हम जा रहे थे और पीछे एक बंदा वो गाना गाने लगे, क्या पुराना गाना, फिर जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और फिर वो कहने लगे कि मेरे शादी करवा दो। मतलब ऐसे करते हैं, और शायद उसको नहीं पता कि मुझे हिंदी आती है ना। ठीक है। और कभी कभी हम जैसे हम जूस शॉप गया उस दिन जूस पीने के लिए, और एक बंदा वो तुरंत मतलब जो इंग्लिश उसको आता है वो मतलब बोलने लगा कि अमेजिंग, फैंटास्टिक, वाओ, मतलब जो कोई सेंस नहीं है। ठीक है, शायद वो सोचा मैं इम्प्रेस हो जाएगी मतलब उसका बात सुन के, लेकिन ये क्या कहे, मतलब इससे कहते हैं यूपी का रोमियो रांझा। अच्छा। वो ऐसे ही है। अच्छा। हाँ, लेडीज़ को चढ़ते और गाना गाने लगे, मत ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वृंदावन में तो बहुत गंदगी है, साफ सफाई नहीं है। देखो, सब जगह में प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो है, लेकिन भारत में भी जगह है, जैसे आप साउथ जाओगे बहुत साफ सुथरा रहता है ना। दोनों प्लेसेस में कभी गंदगी कभी सफाई, लेकिन इट्स अप टू अस, अगर हम और कोशिश करते हैं तो हम भी साफ कर सकते हैं, लाइक और ज़्यादा बेहतर। और हाँ ठीक है, मतलब विदेश में उसका सिस्टम अलग है ना, मतलब सबको फाइन होता है अगर हम च्युइंग गम खा रहे हैं फिर कुछ फेंक दिया, फिर पुलिस आ जाएगा तुरंत, फिर फाइन देगा ऐसे लाइक $500 ऐसे फाइन। तो इसलिए लोग बहुत मतलब संभाल के मतलब सोच के करते हैं चीज़। तो भारत में और विदेशों में डिफरेंस क्या है, कोई अच्छा डिफरेंस? बहुत डिफरेंस है सर, बहुत ज़्यादा। जैसे अगर हम कनाडा में हैं, हम किसी को हाय बोलते हैं तो वो ऐसे आपको देखेंगे, मेरे को क्यों हाय बोला, मतलब आप क्या चाहते हो, है ना। और इंडिया में तो सब मतलब जैसे ट्रेन में जाओ अभी हाय बोलेंगे, आप कहाँ से हो, आपका मतलब शादी हुआ कि नहीं, मतलब कितना सवाल पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, ये सब है ना, बहुत फ्रेंडली होता है। लेकिन विदेश में मतलब अगर आप किसी को पूछेंगे या हाय भी बोलेंगे, उसका तुरंत मतलब आता है कि आप कुछ ऐसे चेतावनी ऐसे कुछ चैलेंज कर रहा है या क्या कहते हैं लाइक वो सस्पिशियस हो जाता है कि आप क्या चाहते हो मेरे से, इतना फ्रेंडली क्यों हो, है ना। तो इसलिए विदेश में बहुत लोग मतलब डिस्टेंस रखते हैं, और जैसे हम खुद का काम, तुम्हारा काम करो मेरा काम करो, लाइक कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो बस में या मेट्रो में सब छुप छुपा, मतलब एवरीवन इज साइलेंट एंड डूइंग देयर वर्क, कोई किसी को बात नहीं करते ऐसे, कोई पर्सनल नहीं हो जाता है। तो यहाँ ज़्यादा पर्सनल होता है, यहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ बिल्कुल नहीं। आपने बोला कि आपने संगीत भी सीखा है, तो कुछ भजन सुना सकती हैं? ओह गॉड, मेरा हारमोनियम नहीं है अभी। अच्छा, हारमोनियम के साथ ही गाती हैं? मैं हारमोनियम के साथ गाती हूँ। तो कोई नहीं, आज थोड़ा सा बिना हारमोनियम के गा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। एक है मेरा फेवरेट, ये संस्कृत में है। अच्छा, गीता संस्कृत भजन। संस्कृत भाषा अच्छी लगती है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत लाइक सो स्वीट एंड लाइक अ विचित्र, यू नो। अच्छा। मेरे को बहुत पसंद है।
हाँ, एक है गीता गोविंदा से, धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली दीन पयोधर परिसर मर्दना चंचल करयुग साली रति सुख सारे गतम अभिसारे मदन मनोहर वेशम। वाह, बहुत सुन। ये संस्कृत भजन है ना? कोई आपने मंत्र या श्लोक भी सीखा? हाँ, कौन सा? बहुत है। मैं अभी आज ये है महादेव का। ठीक है, करिए। ठीक है। मुनिन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भुविलासिनी व्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सुन संगते कदा करिष्यसि हम कृपाक तक्ष भाजन। गोलोकनाथ गोपीश मदीश प्राणवल्लभ हे दीन बंधु दीनेश सर्वेश्वर नमोस्तुते। गोपीश गोसमूहेश यशोदनंदन वर्धन नंदात्मज साधन नित्यानंद नमोस्तुते। सतमन्योर्मन्यु भग्ना ब्रह्मदर्प विनाशक कालिय धामन प्राणनाथ कृष्ण नमोस्तुते। शिवनंदेश ब्रह्मेश ब्रह्मनेश परात्पर ब्रह्मस्वरूप ब्रह्म च ब्रह्म जीव नमोस्तुते। चराचर तरोर्बीज गुणातीत गुणात्मक गुणाबीज गुणाधर गुणीश्वर नमोस्तुते। आनीमधिक सिद्धि स सिद्धि सिद्धि स्वरूपक तापस्तापस्विन्तापशं बीज रूप नमोस्तुते। यद अनिर्वाचनीयं च वास्तु निर्वचनीयकं तत्स्वरूपतयोर्बीज सर्वबीज नमोस्तुते। मानप्रणमश्च श्रीकृष्णे तस्तोस्तनु समर्षति। बहुत सुंदर। अच्छा देवी जी, जैसे आपने बोला कि आप इतने सारे देशों में रही हैं, बड़ी आप कनाडा में हुई, तो वो क्या है, सब पाश्चात्य देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो वहाँ बार वगैरह हैं, पब हैं, तो वहाँ सब गई आप? हाँ, मैं तो जाती थी क्योंकि मुझे डांस को बहुत शौक है ना, तो पब में डांस करती थी। हाँ, तो हम और मेरा फ्रेंड, जैसे एक फ्रेंड, हाँ, उसका नाम है नैना, तो मैं उसके साथ जाती थी सिर्फ देसी पार्टी, बार में, क्लब में। देसी पार्टी जहाँ सिर्फ उस दिन भंगड़ा लगाएंगे। अच्छा, बॉलीवुड। अच्छा। फिर हम डांस करके फिर वापस आते। शराब वगैरह कभी नहीं पी शराब? कभी भी नहीं, कभी दारू? भी नहीं, नहीं, दारू बदनाम बिल्कुल नहीं। सिगरेट नहीं? गांजा नहीं? तंबाकू? कुछ भी नहीं? कोई प्रकार का नशा नहीं? नहीं, मेरे को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ। और देखो, हेल्थ के लिए, मतलब रिलीजियस व्यूज छोड़ दो, लेकिन हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है ना। अच्छा, मतलब शराब वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब आपको कोई फायदा भी नहीं। तो मांस मछली तो खाती हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ नो, दिस इज लाइक वेस्ट। देखो, हमारा जो दे दिया नहीं भगवान, क्या चीज? शरीर। हाँ। शरीर दे दिया। अभी आप डेड बॉडीज खाओगे है ना, फिर आपका बॉडी तो शमशान बन गए है ना। तो कोई सेंस नहीं है कि मैं ये एनिमल को खा जाऊंगी फिर मेरा बहुत बॉडी बनेगा स्वस्थ। कोई, it doesn't make sense ना, illogical, yeah, completely illogical। and जैसे हम, कोई हक भी नहीं है हमारा, मतलब हम उसको लाइफ नहीं दिया ना, तो हम कैसे ले सकते हैं? it's completely गलत है ना। so ये प्रकृति, ये सब जो ठाकुर जी ने बनाए, we should respect। and if we are not giving life, we cannot take। बिल्कुल सही बात।
सो इट्स नॉट, जैसे अगर आप आई लव माई डॉग सो यू शुड लव ऑल एनिमल्स, है ना. नॉट आई लव माई डॉग देन आई एम किलिंग चिकन एंड ईटिंग चिकन और आई एम किलिंग द काउ, तो ये अच्छा नहीं है. सो आई होप कि पीपल कैन सी वन डे ऐसे ऐसे, मतलब अच्छा नहीं है. लेकिन आपके जो दोस्त होंगे वो तो सब मीट मछली और दारू शराब. नहीं नहीं, मैं रखती नहीं ऐसे सच तो बिल्कुल नहीं. अच्छा, क्योंकि मतलब कोई मैच नहीं होगा ना. मैं मंदिर जाऊंगी, उसको क्लब जाना है. हाँ, आई एम स्मेलिंग अगरबत्ती सुबह सुबह मैं आरती कर रही हूँ, वो तो स्मोकिंग. तो मैं आई एम ड्रिंकिंग लस्सी इन वृंदावन, दे ड्रिंकिंग दारू दारू बदनाम. तो कोई मैच भी नहीं है तो हमारा दोस्त कैसे बनेगा. हाँ, कैसे बनेगा, इट्स असंभव. ठीक है, दूर से ठीक है, आई कैन सी यू फ्रॉम फार, राधे श्याम, राधे राधे, आप ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, ठीक है. बट मिलना जुलना इज़ नॉट पॉसिबल. जो ऐसा होगा नशेबाजी वाला, वो आपका दोस्त नहीं. नसारी नहीं, बिल्कुल नहीं. अच्छा, और भारत के यूथ को क्या मैसेज देंगे? हाँ, भारत के यूथ, मम्मी पापा को मतलब रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपके लिए बहुत सैक्रिफाइस किया मम्मी पापा ने. सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ऐसे भूलो मत. और हमारा जो गुरुजीज होते हैं, जो शिक्षा दिया, तो ये रिस्पेक्ट का चीज़ बहुत ज़रूरी है. और आपका मतलब डोंट लूज योर सेल्फ, मतलब बैलेंस होना चाहिए. ज़्यादा में कुछ यू नो, जैसे ज़्यादा दारू पिया, ज़्यादा मतलब नशेरी में, इट्स नॉट गुड. अगर छोड़ सकते तो छोड़ो, अगर नहीं तो मतलब कंट्रोल रखो कि हमारा लिमिट यही है. मैं आई वोंट गो पास माय लिमिट. आपने कंट्रोल करने की बात कही, अपनी डिजायर्स को, एडिक्शन को कंट्रोल करने की बात की. आजकल एक एडिक्शन बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि फिजिकल रिलेशन का एडिक्शन. जैसे आपने बोला वैलेंटाइन डे है, आज वैलेंटाइन, और वैलेंटाइन डे को लोगों ने एक हफ्ते का प्यार बना दिया है. तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हो? देखो, प्रे और यू कैन आल्सो प्रपोज टू दैट पर्सन कि आई लाइक यू, आई वांट टू बी विद यू, एंड मतलब फॉर लॉन्ग टर्म, है ना. नॉट कि बस एक रात के लिए चाहिए, है ना. बट क्या करे, इट्स कलयुग. सही बात है. आपकी नज़र में असली प्यार क्या होता है? मेरे नज़रों में असली प्यार सिर्फ जैसे मम्मी और उसका बच्चा, या ठाकुर जी और आप. अच्छा. ये सबसे हाईएस्ट प्यार है ना, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो प्यार नहीं है, वो तो आकर्षण है या लस्ट है ज्यादा, आई थिंक सो. प्यार तो कुछ और है ना, और वो अनकंडीशनल प्यार सिर्फ ठाकुर जी दे सकते हैं, है ना. मतलब आप जितना भी, इवन यू कैन डू सो बैड इन योर लाइफ, है ना, लेकिन ठाकुर जी कभी ऐसे मना नहीं करें कि तुम अभी मेरे सामने मत आओ, शक्ल मत दिखाओ, है ना. उसका मतलब द्वार हमेशा खुला है. हाँ. सबके लिए. तो ये तो अनकंडीशनल लव है ना. लेकिन हम तो ऐसे ही नहीं है ना. अगर बात नहीं किया तो गुस्सा हो जाते हैं, टाइम स्पेंड नहीं किया तो गुस्सा हो जाते हैं. तो हमारा प्यार कंडीशंस के साथ है कि अगर आप करें जो हमें पसंद थे तो हाँ, हमें तुमसे प्यार है, और अगर नहीं तो छोड़ो, मैं किसी और को ढूंढूंगी. बिकॉज वी वॉन्ट रिसिप्रिकल. हाँ ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि हमको, हम तो बस नॉर्मल इंसान है, हमको चाहिए ना कि दूसरा पार्टी हम सेम प्यार दे. लेकिन सच्चा प्यार जो है सिर्फ ठाकुर जी का और इंसान का, क्योंकि ठाकुर जी और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार ही चाहिए. ऐसे नहीं और भगवान, वो ऐसे नहीं मांगो कि आज मेरे को आईफोन चाहिए या आज मेरे को जो भी वहाँ घूमना है वहाँ, ऐसे नहीं है. वो बस प्यार चाहिए, आपका प्यार,
आप और कुछ भारत के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी हो, अगर आप कनाडा में हो या भारत में, आपका मन का स्थिति होना चाहिए कि मतलब ठाकुर जी मन में होना चाहिए। अच्छा, आपने कनाडा क्यों छोड़ दिया? आपके परिवार सब तो वहीं रहते हैं। मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ पर। अच्छा। मुझे डिप्रेस हो जाती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा मतलब बचपन से मंदिर के पास रहती हूँ और सब उत्सव है ना यहाँ पर, हमेशा उत्सव है, तो मैं मतलब शब्द भी नहीं है कैसे डिस्क्राइब करूँ। आपने भगवद गीता पढ़ी? हाँ। कैसा कैसा लगा पढ़ने के बाद? देखो, मुझे फिलॉसफी में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मेरे को सिर्फ अच्छा लगता है कथा। कथा, स्टोरीज मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, भारत ने आपका कुछ जीवन बदला? सनातन धर्म ने कुछ जीवन बदला? मैं बोलती हूँ तो इट्स मेक्स यू हैप्पी। अच्छा। यहाँ मुझे शांति मिलती है, खुशी मिलती है, तो सब कुछ चाहिए ना। और आपकी शादी कब? भाइयों की शादी हो गई? सबकी हो गई। और आप रह गई? मैं थोड़े ऐसी नहीं है, मतलब ये भी आपका किस्मत में है। पापा बोलते नहीं, मम्मी बोलती नहीं शादी कर लो? हाँ, पापा थोड़ा परेशान है शादी के लिए। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि why can't you find a nice boy to marry, and तो मैंने पापा से कहा इतना आसान नहीं है अभी, और ऐसे नहीं है कि मैं जो मछली वाला मैं ऐसे करूँ और पकड़ूँ किसी को पकड़ूँ, ऐसे नहीं है ना। बहुत चीज़ देखना है मतलब शादी से पहले, बहुत चीज़, और जल्दबाजी में अच्छा नहीं होता। तो अब तो कर लेनी चाहिए शादी? लेट्स सी, अगर अच्छा प्रपोजल आ गया कर लोगी? हाँ, मैं जरूर करूँगी, क्यों नहीं। तो अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं इनमें से किसी ने भेज दिया, हाँ भेज दो, आपका बायोडाटा भेज देना। कहाँ पे भेजेंगे? अच्छा, आप फॉलो, मेरे को फॉलो कर सकते हैं मिस डे 1011 इंस्टाग्राम पे। अच्छा। तो ये अवतारी जी थी, अवतारी, पहले कुछ और भी नाम था? नहीं, यही है मेरा पासपोर्ट में बचपन से, अवतारी देवी दे। अवतारी देवी, अवतारी देवी के साथ जो हमने बातें करी भारतीय संस्कृति के बारे में, ये आपको कैसी लगी? इनके भजन कैसे लगे? इनकी संस्कृति के प्रति श्रद्धा कैसी लगी? प्रेम कैसा लगा? और इनकी ये साड़ी कैसी लगी? इनकी खास तौर पर हिंदी भाषा कैसी लगी? ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए वृंदावन से इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी किसी नए व्यक्तित्व के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। राधे श्याम।